हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर होंगे। आज अब फिर मास्क में देख रहे हैं, तो एक्चुअली मास्क अभी थोड़ा ये पार्क में घूमने आया हूँ और यहाँ कंपलसरी है मास्क के साथ आना, क्योंकि अभी आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि कोविड फिर से बढ़ रहा है, तो इसलिए मास्क कंपलसरी हो गया। तो मैं आज हूँ रांची के बिरसा मुंडा पार्क में। ये रांची जेल मोड़ के पास है और इसका हिस्ट्री ये है कि ये पहले जेल हुआ करता था, तो इसका कुछ जो दीवार है उसको अभी भी वैसा जेल की तरह रखा गया, वो आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है ईस्ट जेल मोड़ में है, जेल मोड़ आपको रांची और ये लालपुर चौक आसपास ही है इसके। तो यहाँ आज मैं घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ कि कैसा है ये बिरसा मुंडा पार्क। ये बहुत पुराना नहीं है, नया है और अभी इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, तो आप आ सकते हैं बिना एंट्री फीस के। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं कि बाद में इसमें फ्यूचर में इसमें एंट्री फीस लग सकता है, बट अभी नहीं है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया इसको। तो चलिए देखते हैं कि ये बिरसा मुंडा पार्क जो है ये कैसा है इस जेल मोड़ रांची में, तो आपको दिखाता हूँ अभी। तो वो जो आप देख रहे हैं सामने, वो इसका एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस है, आप यहाँ वहाँ से एंट्री कर सकते हैं और कोई एंट्री फीस अभी नहीं है। शाम का टाइम है इसलिए रोशनी थोड़ा सा कम हो गया। और ये अब वॉल देखिए, जो दीवार है ये वैसा ही है जैसा जेल का हुआ करता था, तो इसको इन्होंने टच, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो इसका वॉल देखिए, जो बाउंड्री है ये सब पहले के जेल ऐसा ही था। तो जेल तो यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, बट और अंदर में बहुत खूबसूरत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया पार्क में, लेकिन इसके वॉल को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ ये पहले जेल था। तो इसको बिरसा मुंडा पार्क बनाया गया है और देखते हैं, ये ऐसे तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर म्यूज़ियम भी है, तो चल करके देखते हैं आगे कि क्या क्या है इसके अंदर। ये देखिए, ये गार्डन बनाया हुआ है और ये जो पार्क है इसका जो एरिया है वो 30 एकड़ में है ये पार्क, और बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये 30 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसके अंदर म्यूज़ियम भी है। तो 25 एकड़ में ये गार्डनिंग है और 5 एकड़ में म्यूज़ियम बनाया गया। तो अभी पार्क का एंट्री फीस नहीं है कुछ, और इसको बनाने में लगभग 142 करोड़ खर्च हुआ है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये पार्क। और इसका मेंटेनेंस भी अच्छा किया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया। रांची में तो वैसे कई पार्क है, रॉक गार्डन है और छोटे छोटे कई सारे पार्क हैं, लेकिन ये पार्क मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो उसका एंट्रेंस है, और इसके अंदर ये बेसमेंट पार्किंग भी है। तो अभी इधर चल के देखते हैं कि इस साइड में क्या है। एक एरिया में ये भी बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें शाम होता होगा तो, या फिर इसमें फाउंटेन फाउंटेन बनाया जा रहा होगा। तो अभी ये पूरी तरह से ओपन नहीं है, गार्डनिंग तो किया हुआ है बट फाउंटेन ये सब अभी लाइट्स चालू नहीं है। तो इधर जाना भी मना है, गार्ड ने मुझे इधर मना कर दिया, तो इसका मतलब ये अभी ओपन नहीं है। तो इसमें काम चल रहा है क्योंकि ये ज़्यादा पुराना पार्क नहीं है। और उधर सामने देखिए कितना खूबसूरत तरीके से गार्डनिंग किया हुआ है, तो वहाँ पर भी चल के देखते हैं। धूप धीरे धीरे छिप रहा है, तो रोशनी कम होती जा रही है। और ये भी गार्डनिंग किया हुआ खूबसूरत तरीके से। उधर भी अभी जाने के लिए मना है क्योंकि अभी उधर भी काम चल रहा है। तो उधर पूरा गार्डन बनाया गया बहुत खूबसूरत तरीके से, इधर भी देखिए गार्डन बना हुआ है। और इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे से ये पार्क 7 डेज ओपन होता है,
10 बजे से ओपन होता है और 4 या 4:30 बजे तक इंट्री है, उसके बाद एंट्री नहीं है। तो ये अभी है, उसके बाद जब ये कुछ बोला जा रहा है फ्यूचर में ये और लेट तक खुलेगा, जब इसका एंट्री फीस ये सब लगने लगेगा। अभी न्यू ईयर आने वाला है तो लोग घूमने के लिए भी आ रहे हैं बहुत। इसका अच्छा इधर लिफ्ट दिया हुआ है, बना हुआ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बेसमेंट पार्किंग के लिए। अभी देखिए और इधर भी बना हुआ बहुत खूबसूरत तरीके से बैठने के लिए। इधर आप देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ बैठने के लिए। और ये क्या है अभी पता नहीं, पूछूंगा, पूछ के बताता हूँ आप लोगों को। तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये पार्क, बैठने के लिए भी है और बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत पार्क है। एक बार ज़रूर आए आप लोग घूमने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत इधर बनाया हुआ है बैठने के लिए। और ये जो बन रहा है ये एक्चुअली में ये फूड कोर्ट बन रहा है, ये सारा देख रहे स्टॉल सब जगह बन रहा है काउंटर, और ये फूड कोर्ट बन रहा है। तो जब ये फूड कोर्ट रेडी हो जाएगा तब तो ये बहुत यहाँ क्राउड आएगा, बहुत खूबसूरत बनाया गया। तो एक बार ज़रूर आएँ यहाँ घूमने के लिए जब ये फुल रेडी हो जाए। अभी भी आ सकते हैं, टाइम स्पेंड के लिए अच्छी जगह, लेकिन ये जब पूरा रेडी हो जाएगा तब तो ज़रूर आना चाहिए। और देख रहे कितना बड़ा ये एरिया, और ये फूड कोर्ट कितना बड़ा है। जब रेडी हो जाएगा तो बहुत लोग यहाँ पर खाने को इंजॉय कर सकते हैं। और वो जेल है, जेल का दीवार है, लेकिन उस साइड पुराना जेल भी है, ओल्ड जेल। और गार्डनिंग बहुत खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। और सामने उधर देखिए वो न्यूक्लियस मॉल है लालपुर का, तो एक कॉर्नर इसका न्यूक्लियस मॉल की तरफ भी पड़ता है। लेकिन अभी एंट्रेंस एक ही साइड से जहाँ से मैंने आपको दिखाया। और देखिए कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ, मतलब 30 एकड़ में ये बना हुआ है, 25 एकड़ में सिर्फ गार्डन है, 5 एकड़ में म्यूज़ियम। तो अभी उधर भी चलेंगे, जल्दी वो बंद होने वाला है गेट, टाइम हो गया उसका, तो कोशिश करेंगे आपको दिखाने का वो भी। इधर आएंगे तो इधर भी देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ ये पार्क, बहुत ही मेंटेन्ड है। और यहाँ पर गार्डनिंग की भी है, वो सामने न्यूक्लियस मॉल है, वहाँ पे बैठने का वो। तो अंदर भी अभी जाने के लिए मना है, मतलब अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उधर भी काम चल रहा है। तो जहाँ जहाँ काम अभी चल रहा है वहाँ वहाँ जाने के लिए मना है। और ये सब फूल देखिए कितना खूबसूरत फूल लग रहा है, पूरा बहुत बड़ा एरिया में कवर किया हुआ ये गार्डन, बिरसा मुंडा म्यूज़ियम पार्क। और लाइट्स भी है, तो 5 बजे के बाद यहाँ तो एंट्री है ही नहीं, 4:30 बजे के बाद एंट्री मिलता नहीं। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सबको मिलने लगेगा एंट्री।